हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मूड मजाज आपके कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल फिट फाट हूँ। तो ये छोटू सा नन्ना सा मेहमान हमारे घर आ चुका है, तो आज की मुकम्मल वीडियो देखेगा, एंड तक देखेगा। आज मैं आपको बताऊँगा बजरी तोतों के बारे में, तो इनकी ब्रीडिंग के बारे में और थोड़े से इनकी जो नर मादी होती है उसके बारे में आपको आज बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। आपने चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ये आपका प्यार और मोहब्बत होता है। तो आज ही आज का जो व्लॉग है, बस आज मैंने परिंदों पे बनाया जो अपने हमारे अपने ही घर में है। तो उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो जी, यहाँ पे मैंने शामियाँ बनाई हुई थी पहले की, तो फ्रीज की हुई थी, थोड़े से चावल हैं रात के, और यहाँ पर जी चने की दाल है जिसको मैंने पानी में भिगो दिया है। और रात मैंने बनाई थी मिर्चें, फ्राई मिर्चें बनाई थी, और साथ में अचार है। तो बस थोड़ी सी शामियाँ तल लेता हूँ, उसके बाद ये थोड़े से चावल हैं वो मैं खा लेता हूँ, भूख बहुत लगी हुई है। और जी यहाँ पे हमारे कबूतर यानी कि मामा के कबूतर हैं, इसने अंडा दे दिया है और ये रातों रात ही दिया है इसने, तो ये बैठी हुई है अभी, तो छेड़ूंगा इसको हरगिज नहीं मैं। तो जिसको मैं कबूतर कह रहा था वो कबूतर ही निकली, और वो वाला जो था ना वो कबूतर है, मुझे इनका इतना पता नहीं था। और जी कॉकटेल, हेलो हाय कॉकटेल, कैसे हो आप? बात करते हैं, ये मामा के साथ करते हैं, मेरे साथ नहीं, नाराज की होती है इनकी मेरे साथ, है ना। और इनकी ब्रीडिंग के बारे में बताऊंगा। नरमादी ये जो से फिंचीज है, ये फर्स्ट में नर है, पीछे जो है वो मादी है। नर जो है उसके परों के नीचे आपको डॉट्स नज़र आएंगे, वो नर होगा, और जो मादी है उसके परों के नीचे डॉट्स नहीं है। तो यहाँ पे जी कॉकटेल में ये सामने फर्स्ट में मादी है, और वो ऊपर जो बैठा हुआ है वो है नर। मादी की हमेशा गर्दन पतली होती है। और जी साथ साथ इसके बाद मैंने क्या करना है, मार्केट जाना है, बस थोड़ा सा काम करना है। और यहाँ पे आपको बता दूँ, फिंचीज जो होते हैं ना वो ब्रीडिंग में आने वाले हैं, और इन्होंने यहाँ पर घोंसला बनाना शुरू कर दिया है, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। तो मामा ने आज मुझे बताया था, वो थोड़े थोड़े से ही घास में लेके आया था, और ये कबूतर के पर है तो ये खुद ही उठा के इन्होंने खुद बनाया है। और यहाँ पे हमारे जो उनसे पौधे हैं मनी प्लांट, इनको अभी पानी डालना है, तो मैं पानी डाल के ही जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और ठंडे पानी का जो काम है वो मामा नहीं करती। और यहाँ पर अभी पानी डालूँगा इनको, और ये रूम में लगाया हुआ था मैंने, ये कागज़ के बने हुए मामा ने बनाए थे, तो ये मैंने दीवार पे लगा दिए यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एक बेल मुझसे टूट गई थी पानी डालते हुए, तो इसको मैंने अलग ही बर्तन में रख लिया पानी में, तो इसमें अभी जड़ निकल रही है इसकी। और यहाँ पे जी चने मैंने चढ़ा दिए हैं, तो वापसी में आके इसका भी कुछ कर लेंगे, सालन वगैरह बना लेंगे। तो इतनी देर में हमारे जो चने की दाल है वो मैंने चढ़ा दी, और यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है पौधों में, और बिल्कुल तरोताज़ा हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तो बस सर्दियों में थोड़े से ये इसकी मेरा ख्याल ग्रोथ नहीं होती, ये गर्मियों में ज़्यादा इनकी ग्रोथ हो जाती है। तो भी आपको येलो येलो पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ ठंड की वजह से ऐसे हो रहे हैं। और इनमें आपको छोटी छोटी जड़ें नज़र आ रही हैं, ये आपके काट के कहीं भी लगा सकते हो। तो हमें तो ये मनी प्लांट बहुत खूबसूरत लगा है पौधा। और जी यहाँ पे मैं आ गया हूँ मार्केट में, और जी ये देख लें कितने सारे बजरी तोते हैं यहाँ पे। जो लोग परिंदों का शौक़ रखते हैं तो मैं उनको कहूँगा कि आप बजरी तोते ले आएँ और इनकी ब्रीडिंग करवाएं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं। गर्मियों में ये बहुत कम अंडे देते हैं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और बच्चे भी मर जाते हैं इनके, है ना। और यहाँ से अक्सर मैं अपने परिंदों की खुराक लेके जाता हूँ, तो सोचा आज आपके साथ वो वीडियो भी शेयर कर लूँ थोड़ी सी। और यहाँ पे जो चाक पड़ा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कैल्शियम की चाक है, ये बहुत खाते हैं, तो ये लाजमी रखा करें। और बस यहाँ से मैं थोड़ा सा सामान लूँगा, दाना वगैरह लूँगा, और ये डब है, ये 2500 की जोड़ी बता रहे थे, ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पे जी मुर्गी अंडों पे बैठी हुई थी,
इसका एक बच्चा निकला है और बाकी अंडे भी साबुत हैं। तो बहुत छोटू सा है ये, अपनी मामा के साथ ही है। और यहाँ पे आपको बताता हूँ बजरी तोतों की पहचान, जिसकी नाक के ऊपर ब्लू ब्लू सा डार्क ब्लू है वो नर है, और साथ में जो सा मादी होती है उसकी वाइट चोंच और नाक के ऊपर वाइट निशान होता है। येलो वाली आपको मादी नज़र आ रही है और जो ग्रीन में है वो नर है। ये जोड़ा इसका है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। और जी साथ साथ काजिम आब्दी को इजाज़त दीजिएगा आने वाली न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगेवान।